राजस्थान में भीषण गर्मी के साथ ही बिजली संकट भी गहराता जा रहा है। गर्मी के कारण बिजली की मांग पिछले 38 सालों की तुलना में सबसे ज्यादा पहुंच गई है और इस मुद्दे को लेकर हमारे संवाददाता दिनेश डांगी ने ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अभी परिस्थितियां सामान्य नहीं है, इसलिए बिजली कटौती जारी रहेगी। इसके साथ ही ये भी बताया कि लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि सिर्फ जरूरत होने पर ही बिजली का इस्तेमाल किया जाए। भीषण गर्मी के दौर में बिजली संकट ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी है। हालात यह है कि 1 घंटे से लेकर 6 घंटे तक बिजली कटौती के आधिकारिक आदेश जारी करने पड़ रहे हैं। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी लगातार फीडबैक ले रहे हैं और लोगों से अपील भी कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड और आपूर्ति की जो सिस्टम है वो गड़बड़ाने से बिजली का संकट गहरा है, ऐसा इनका कहना है। और क्या तैयारियां चल रही है सर, किस तरह जो बिजली की किल्लत और संकट बरकरार है उसको दूर करने की कोशिश हो रही है? देखिए, आज मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश भर में और हमारे प्रदेश में कोयले की कमी भी है और उसके साथ साथ कोल क्राइसिस के साथ साथ जो बिजली का एक संकट उत्पन्न हुआ है, बिजली की कमी एकदम से हुई है, उसमें जो मांग एकदम से बढ़ी, पिछले 30 सालों में पहली बार करीब 38% के करीब बिजली की डिमांड एकदम से बढ़ी है और जिसकी वजह से पूरे प्रदेश में बिजली की स्थिति काफी पिछले कई दिनों से खराब हुई है। और हम पूरा प्रयास कर रहे हैं राजस्थान सरकार के, हमारे जितने भी प्लांट्स हैं और राजस्थान सरकार के द्वारा जितने भी हमने अलग अलग कंपनियों से MOU किए हुए हैं बिजली खरीद के, वो सब लेने के बाद और जो एक्सचेंज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसमें अधिकतम रेट 12 रुपए यूनिट तक बिजली खरीद करने का प्रावधान है। हमने विभागीय अधिकारियों को ये कह दिया कि अधिकतम मूल्य पर भी यदि बिजली मिलती है तो हमें प्रदेश के लोगों के लिए खरीदनी चाहिए, लेकिन चूंकि ये मांग पूरे देशव्यापी है, सभी राज्य उस एक्सचेंज में उस बोली में जा रहे हैं और हमें हमारी डिमांड के मुकाबले 10 से 15% ही बिजली एक्सचेंज में मिल पा रही है। तो ऐसी स्थिति में बिजली आम आदमी तक पहुंचाना भी सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन बिजली की उपलब्धता और बिजली का कि जो डिमांड है उसमें बड़ा फर्क होने की वजह से बिजली कटौती करने का निर्णय लिया गया है। कल हमने संभाग मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर और जो नगरपालिका क्षेत्र है या बड़े बड़े कस्बे हैं उनमें अलग अलग स्लैब बना करके कटौती करने का निर्णय लिया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा सभी प्रदेशवासियों से कि बिजली को इस समय बचाने की आवश्यकता है, बिजली की बचत करें, जब तक जरूरी नहीं हो बिजली का उपयोग नहीं करें। और हमने आज इंडस्ट्रीज के लोग भी, आज राजस्थान के जो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है VKI, उनके अध्यक्ष जी के और उनके कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं उनके साथ बैठ करके हमने अभी मीटिंग भी की है और उनसे भी आह्वान किया है कि इंडस्ट्रीज को शाम को 6 बजे से लेकर 10-11 बजे तक 50% के लोड पर अधिकतम चलाएं, 50% की वो बचत करें ताकि वो बिजली हम घरेलू उपभोक्ताओं को या जरूरतमंद जहां भी अति आवश्यक है वहां दे सके। तो मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहूंगा कि राजस्थान में और पूरे देश भर में बिजली का संकट है और ऐसी स्थिति में हमें बिजली को बचाना है और जब तक परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है तब तक विभाग का सहयोग करें, सरकार का सहयोग करें। क्या लगता है हालात कब तक पटरी पर लौट आएंगे और कब तक कटौती है वो जारी रहेगी? देखिए, इसमें कुछ मौसम गर्मी ज्यादा होने से भी बिजली की डिमांड बढ़ी है और वहीं विंड के माध्यम से जो हमें बिजली मिलती है काफी एक अच्छी मात्रा में 20-30% विंड के माध्यम से बिजली मिलती है, वो भी बिजली एकदम से उसका प्रोडक्शन डाउन आ गया है, 10-15% ही विंड से हमें बिजली मिल रही है। तो खरीदने में भी एक्सचेंज से भी हमें बिजली नहीं मिल रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक बिजली की उपलब्धता कम है, कोयला भी हमें प्रदेश में हमारे पास स्टॉक कम है, जितना कोयला हमारे पास है उसको यूज करते हुए हम कोयले के माध्यम से भी बिजली अधिकतम बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अभी परिस्थितियां आज की तारीख में सामान्य नहीं है। आगे मौसम ठीक रहता है, कई देश के कई राज्यों में यदि बारिश हो जाती है या गर्मी कम होती है तो बिजली की डिमांड कम होगी और ऐसी स्थिति में हमारी स्थिति सुधर सकती है, लेकिन जब तक स्थिति सामान्य नहीं होती है तो मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों से निवेदन करना चाहूंगा कि बिजली की बचत करें और बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है और इंडस्ट्रीज, किसान, सभी लोग जब तक बिजली की जो परिस्थितियां सामान्य नहीं होती है तब तक जो कटौती का जो कार्यक्रम
हमने जारी किया है, मजबूरी में हमने किया है, क्योंकि हमारे पास जितनी उपलब्धता है उतनी हम दे पाएंगे। तो जल्दी मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी इस समस्या का समाधान हो उसके लिए भी हम लगातार मीटिंग्स भी कर रहे हैं उसके लिए और प्रयास भी कर रहे हैं। तो ये थे ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी, इनका कहना है कि हालात जैसे ही सामान्य होंगे उसके बाद ही बिजली कटौती नहीं करने का फैसला होगा। तो मानसून दस्तक देगा, उसके बाद गर्मी कम होगी और जो डिमांड है, खपत है, वो अगर कम आती है तभी स्थितियां सामान्य हो पाएगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ दिनेश डांगी।